गाइस, आई एम शीन एंड वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज का वीडियो होने वाला है आपकी रिक्वेस्ट पे ज्वेलरी हॉल, जिसमें मैं अपना कलेक्शन दिखाऊंगी आपको मेरी ज्वेलरीज की, जो आपने मोस्टली मेरे हॉल्स वीडियो में देख रखे, इवन सारे के सारे मेरे हॉल्स वीडियो में देख रखे हैं। सैटरडे वीडियो आ जाती बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आज भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। अंदर से फीवर हो रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, गर्मी हो रही है। सो और लेट मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए थोड़ा ठीक लगा तो मैंने जल्दी से कैमरा निकाला एंड शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो मैं यहाँ पे जितने भी दिखाऊंगी ईयरिंग्स सेट्स, वो कुछ पुराने हैं एंड कुछ बिल्कुल ही नए परचेज है, जो मैं यहाँ आकर लॉकडाउन में ही मंगाई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ईयरिंग्स मैं लेकर नहीं आई थी वहाँ से, इसलिए मैंने थोड़े बहुत शॉपिंग किए ईयरिंग्स के यहाँ पे। तो वीडियो में अगर मैं थोड़ा लो साउंड कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जितने भी ईयरिंग्स मेरे हैं वो सारे के सारे आपने मेरे हॉल वीडियो में देख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई ऑन वीडियो नहीं कर रही हूँ। मैं क्विकली वीडियो खत्म करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो सुपर लॉन्ग हो। सारे ईयरिंग्स एंड ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा औसम है, तभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जिनकी नहीं है वो मैं इस वीडियो में ऐड भी नहीं कर रही हूँ, और प्राइस वगैरह वीडियो में ही मैं मेंशन कर दूंगी साथ ही साथ। सो ये पूरी बॉक्सेस भरी हुई है मेरे पास। अगर आपको सेट्स का ट्राई ऑन देखना है तो जो भी वीडियोज में मैंने पहने हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करें। एंड सारे मिंत्रा की ज्वेलरीज हैं एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। माई हॉल स्टोर में आप क्लिक करें, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। आपके रिक्वेस्ट पे ही जल्दी से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सब्सक्राइब तो प्लीज करना ही, ऐसे नहीं जाना, आप हमेशा ऐसे ही चले जाते हो। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एथनिक ज्वेलरी से। कुछ ये डब्बा मैं लेकर आई थी, इस पे 3 सेट है और ये मैं लेकर चली थी दिल्ली से, क्योंकि आई नो लॉकडाउन में आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो, बट काम ऐसा है कि आपको ज्वेलरीज की जरूरत पड़ती है। सो मेरी फर्स्ट सेट है ये चोकर सेट, जिसपे इस तरीके की चोकर आती है एंड इसका मांग टीका कुछ इस तरीके से आता है राउंड वाला, एंड इसके ईयरिंग्स पे ऐसे राउंड वाले आते हैं जो ऐसे दिखते हैं। एंड ये मैंने ली है मिंत्रा से 800 रुपीज़ की। ये आपको फ्लिपकार्ट में भी सेम प्राइस की मिलेगी, मैंने बहुत बार देखा, बट इसकी प्राइस जो है वो कम नहीं होती है, वो 800 रुपीज़ की ही मिलती है। बट ये मेरी फेवरेट सेट है, लाइक मैं इसे बहुत ज़्यादा अपने हॉल वीडियो में वेयर कर चुकी हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और मस्ट हैव पीस है ये। पार्टी वेयर के लिए परफेक्ट है गाइज, लाइक अगर ये सेट आपके पास है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इसके ईयरिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, मांगटी का विद ईयरिंग्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ईयरिंग्स और मांगटिका के साथ नहीं जाना है तो सिर्फ चोकर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगती है। एंड आई थिंक ये वर्थ 800 रुपीज़ में, बहुत ही प्यारा सेट है। ये वाली सेट जो है ये मेरी सबसे महंगी परचेज है। सो बहुत ही ज़्यादा महारानी टाइप ऑफ सेट मुझे ये लगती है जब मैं इसे पहनती हूँ, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसका जो ईयरिंग्स है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये है 1200 रुपीज़ का, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी थी, क्योंकि 1200 रुपीज़ मैंने कोई सेट में अभी तक नहीं लगाया था। बट जब मैंने इसका मांग टीका देखा था ना, तब मेरा दिल इस पर पूरी तरीके से आ गया था, लाइक अब देखो अब कुछ भी नहीं करोगे ना किसी भी लहंगा पे या किसी चीज़ पे, और बस मांग टीका पहन लोगे तो ये कितना प्यारा लग रहा है। लहंगे या किसी भी साड़ी में भी बहुत सुंदर वेडिंग पार्टीज में लगती है, सिर्फ मांग टीका पहन लो एंड यू आर रेडी टू गो। और ऐसे मांग टीका के सेट आपको बहुत ही रेयर मिलती है। सो अभी तो स्टॉक में नहीं है, बट विशलिस्ट में रख के आप चेक करते रहिए, बीच बीच में स्टॉक में आते रहती है। थर्ड सेट बहुत ही क्यूट सी लाइट सेट है एंड इसे भी मैंने बहुत बार यूज़ करा है। ये मांग टीका के साथ है एंड सेम आपको जो कुंदन का वर्क सारे सेट पे मिलेगा कुछ इस तरीके से, मोती एंड कुंदन तीनों सेट पे आपको मिलेगी। सो ये भी बहुत प्यारी लगती है एंड आई थिंक ये बहुत रिजनेबल भी मुझे मिली थी, इसे मैंने बहुत पहले परचेज किया था, मैंने बहुत सारे हॉल्स वीडियो में इसे पहना है, इसे भी मैं रेकमेंड करूँगी। सो अगर आपके बजट में ये दोनों सेट्स नहीं है तो आप इसे भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। एंड ये मुझे मिली है 300 to 400 के बीच में, जो मैंने मिंत्रा से ली है, एंड वर्थ है ये 400 रुपीज़ में। आपको मांग टीका एंड ईयरिंग्स दोनों मिल जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की। सो मैं बोलूँगी कि आप इसके साथ भी जा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मुझे फीवर भी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसकी वजह से। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये नेकलेस, जो मैंने अपने बहुत सारे अभी रिसेंट वीडियोस में पहनना शुरू किया, क्योंकि मैंने यहाँ आके इसे खरीदा था। 3 लेयर की नेकलेस है ये, जो कि आपको मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। एंड मिली थी 800 रुपीज़ की, बट उसके तुरंत बाद सेल लगी थी एंड सेल पे इसे 400 रुपीज़ की मिल रही थी, तो विशलिस्ट में रखिए, ये 400 रुपीज़ इसकी प्राइस जाती है, तो जब भी उस प्राइस में आप ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा ही वर्थ है, बहुत स्टर्डी है और बहुत ही
ज़्यादा अच्छे वाले जो मोती होते हैं ना वो लगी हुई है। तो एक ब्लैक सिंपल कुर्ता पहन रहा हूँ, आपको रेडी होने का मन नहीं हो रहा है, ये नेकलेस डालिए एंड यू आर गुड टू गो। और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं, एक रेड लिपस्टिक काफ़ी है। नेक्स्ट ईयरिंग जो है वो मेरी अभी रिसेंट फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड इसकी आवाज़ सुनो, ये भी मिंत्रा से है। जूम करके मैं आपको क्वालिटी दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वालिटी है, बहुत स्टर्डी है एंड इतनी बड़ी साइज़ की है। तो सिल्वर ज्वेलरीज ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ज्वेलरीज में ना मेरी दिल किडनी आप सब कह लो वो बसती है। ये मुझे मिली है 500 रुपीज़ की, मेरे लेने के बाद ये 399 रुपीज़ की हो गई, तो आपके लिए बहुत अच्छी डील है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत इन भी है इन दिनों, तो इसे आप जाके तुरंत ले लें क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो रही है, फिर स्टॉक में आ रही है। तो आई लव दिस वन, ज्वेलरी वो सेट है एंड ये सिल्वर गोल्ड मिक्स है। लाइक अभी ऐसी कोई ड्रेसेस होती है ना जिसपे गोल्डन भी नहीं जाती, सिल्वर भी नहीं जाती, तो उस पर इस तरह की सेट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से जाती है, तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ की है। ये क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम है एंड इसकी ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हैं आप। सो इसे सिंगल ईयरिंग्स भी पहन सकते हैं या फिर इसका जो नेकलेस है वो भी डाल सकते हैं। जो मिली है 833 रुपीज़ की, मैंने इसे 2 महीने पहले लिया था और अभी भी उसका प्राइस सेम है। इसका प्राइस 1 रुपये भी अभी तक कम नहीं हुआ, मैं हमेशा चेक करते रहती हूँ, बट अगर ये कम में मिले तो आप बहुत लकी हो। अरे मैं इसकी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है बट ये बहुत ही स्टर्डी है एंड 850 रुपीज़ में वर्थ है। अभी कुछ दिन पहले जो सेल चल रही थी उस पर मैंने अक्स की ज्वेलरी मंगाई थी 2-3 सो कलरफुल ज्वेलरीज। तो पहली ये पिंक कलर की है जो कि मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको। सो पहली ये पिंक कलर की है एंड सो कुछ इस तरीके से। आई एम टायर्ड गाइज, फीवर में बोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक जा भाई। जो कलर है आपको रिसीव होगा तो लगेगा इसका कलर थोड़ा उड़ा उड़ा टाइप है, बट ये उसी तरीके के मेटल है। पहनने के बाद कैमरे पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, सामने से बहुत ज़्यादा तो सुंदर, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है जितना कैमरे पे आ रही है। ये सामने से ना एक उड़ा हुआ पिंक कलर होता है ना उस तरीके से है। और ये मुझे मिली है 399 रुपीज़ की ओनली, जो कि ये सिर्फ सेल पर आपको ये प्राइस मिलती है। पिंक कलर के ईयरिंग्स लेने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, जब मुझे ये दिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैंने इसे ले लिया एंड आई लाइक इट। 400 रुपीज़ में मुझे पसंद आई। तो अक्स ब्रांड से मैंने एक और ये झुमके लिए है, एक और ईयरिंग्स ली है ये रेड कलर की, जो बिल्कुल सेम तरह के ही काम आपको मिलेगी। थोड़ा सा लगेगा कलर उड़ा उड़ा टाइप है बट ये इसके डिज़ाइन ही ऐसी है जो मैं आपको बहुत ही जूम करके दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत पीस है, आप देख के आपको लगेगा ना थोड़ा सा कलर इसकी उड़ी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये भी मुझे 300 या 350 रुपये की मिली है, उससे महंगी नहीं है। एंड रेड कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा मन था और इतनी अच्छी सेल में मिल गई तो वाई नॉट कि मैं एक ही बार ले लूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ईयरिंग्स कैरी नहीं कर रही थी और जब भी ईयरिंग्स मुझे दिखती है ना, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो शुरू से तो यू नो कि ईयरिंग्स मेरी कमज़ोरी है, मुझे ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स मेरे हॉल्स वीडियो में देखने को मिलता है क्योंकि मैं रुक नहीं पाती हूँ उनको खरीदने से। ओके, सो मिंत्रा पे जब भी नेक्स्ट सेल आएगी तो आप ज़रूर अक्स की ईयरिंग्स लें, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। ईयरिंग अगेन अक्स ब्रांड से ही है एंड ये मेरी लाइक अभी जितने भी मैंने खरीदे हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये। आप देखो इसे एंड खुद बताओ कि क्या ईयरिंग्स है ये, लाइक ओ माय गॉड। ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी, करीबन 900,000 रुपीज़ की हमेशा इसकी प्राइस थी बट सेल में मुझे 599 रुपीज़ में मिली है। बहुत स्टडी है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। तो कल मैंने इसे आउट ऑफ स्टॉक देखा था बट ये स्टॉक में अगेन आती रहती है, अगर आपको ये मिलती है तो आप 600 में ले लीजिए, वर्थ है ये एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो है वो अक्स की ही ईयरिंग्स हैं, ये 4 मैंने मंगाई थी, एक ग्रीन कलर में, एक गोल्ड, एक पिंक एंड रेड, जो कि बहुत अच्छे ऑफर्स में एकदम जो बहुत अच्छे डील्स पे मिली है मुझे। एंड ये भी आपको सेम टाइप मिलेगा, थोड़ा सा कलर लाइक लगेगा उड़ा उड़ा सा है बट बहुत ही खूबसूरत पीस है ये भी। एंड ये वाली ईयरिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड ये मुझे ओनली 300 रुपीज़ में मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी डील है एंड आई थिंक मैंने इसे हॉल्स वीडियो में पहना भी है। और जितने भी ईयरिंग्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ ना उसकी क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। ईयरिंग ये भी मैंने यहीं पे आके मंगाया था और स्टड ईयरिंग्स है ये, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ईयरिंग्स है ये, देखिए आप, जिसे आप बहुत सारे आउटफिट में वेयर कर सकते हैं। ये भी मिंत्रा से है बट ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी इसलिए मैंने इसे तुरंत खरीद लिया। ये मुझे मिली थी 700 रुपीज़ में, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है आई नो, बट जब मुझे ईयरिंग्स में कुछ पसंद आ जाता है ना तो मैं उसे ले लेती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
सो मैं इस प्राइस में आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। अगर ये सेल में जाती है तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट ये झुमकी है एंड ये काफ़ी पुरानी है, ये मैं दिल्ली से ही लेकर आई थी, मिंत्रा से ही है ये। एंड ये मुझे दो पीस की सेट मिली थी, कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी है। एंड ये मुझे बहुत सस्ती मिली थी, लाइक 400 में मुझे दो पीस झुमकीज मिली थी, सेल पर मैंने ली थी ये वाली। और काफ़ी पुरानी है ये, मुझे लगता अभी तो स्टॉक में भी नहीं है। और इसके साथ जो मुझे मिली है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। सो ये पेयर मुझे मिली थी, दो का पेयर 400 रुपीज़ में ऑनली गाइस। एंड आप देख एंड आप खुद देखो कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इवन कि जनपद और सरोजनी मार्केट में भी आपको 200 रुपये की ऐसी झुमकी नहीं मिलेगी। सो बहुत ही प्यारी झुमकी है, ये रेड एंड ब्लू कलर है एंड इस पर आपको पूरा रेड मिल रहा है, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। बहुत सारे ड्रेसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लू है तो आप ब्लू पर ही डाल सकते हो, ब्लैक येलो किसी पर भी डाल के आराम से पहन सकते हो। लिंक दे दूँगी मैं, चेक करते रहना, अगर स्टॉक में आ तो जरूर खरीद ले, बहुत ही ज्यादा प्यारी झुमकी है। नेक्स्ट झुमकी है, ये भी मेरी बहुत पुरानी झुमकी है, कुछ ऐसी दिखती है ये। एंड ये मैंने ली है जनपद से 400 रुपीज़ और 350 रुपीज़ में, बट ये आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगी। लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि मैंने ढूंढ निकाला है मिंत्रा से ये, बट मिंत्रा पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 900 रुपीज़ की ये मिल रही है। एंड एक महीने से मैं देख रही हूँ, कभी भी सेल पर नहीं गई, सेल आने वाली है, ट्राई कीजिए अगर सेल पर आपको मिल जाए तो। बहुत प्यारी झुमकी है ना, बहुत सारे हॉल्स वीडियो में आपने मेरे इसे देखा है। अगर आप दिल्ली रहते हो ना तो जनपद जाओ, इस तरीके के झुमकीज़ आपको 350-400 की मिल जाएगी। और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 300 में तो कंफर्म मिल जाएगी, बट मुझे नहीं मिली थी, मुझे 700 में दो झुमकीज़ दिया था उन्होंने, तो 350 लगा लो। बट जो दिल्ली नहीं रहते हैं तो उनको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर ये पसंद आ रही है तो, क्योंकि मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट ईयरिंग भी मेरी काफ़ी पुरानी है, अगेन मिंत्रा से ही लिया था मैंने, लाइक झुमकी विद कफ़ी आती है तो इस तरीके से फिट हो जाती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे फिट होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड अभी मैं देख रही हूँ तो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट इस तरीके के आपको बहुत सारे मिंत्रा पे मिल जाएंगे। ये मैंने लिया था 250 रुपीज़ की सेल से, जो कि बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके की ईयरिंग्स आप अपने पास एक ज़रूर रखें, जब आप जूड़ा करते हो ना तो इस तरीके की ईयरिंग्स बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट ये मेरी अगेन बहुत पुरानी है, बट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं जब भी जूड़ा करती हूँ या फिर मैं हेयर टाई करती हूँ तो मैं ये ईयरिंग ज़रूर पहनती हूँ। ये बंद बालों में, लाइक जूड़ा वाले बालों में, ये बहुत ही ज़्यादा रिच लुक क्रिएट करता है, कुछ ऐसी दिखती है। एंड ये मुझे मिली है सिर्फ 250 रुपये की सेल पे, तो गाइस 250 रुपये में और आपको क्या चाहिए। मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्रॉप टॉप विथ श्रॉग एंड बीच पार्टीशन करके, जब आप लोअर मानते हो ना तो ये ईयरिंग स्टेटमेंट ईयरिंग्स बन जाती है। आई रियली लव दिस वन। तो नेक्स्ट झुमकी वो भी बहुत पुरानी है एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा, ये भी मुझे 300 रुपये की पड़ी थी, बट अभी बहुत पहले से आप मेरे वीडियोज़ में देख रहे होंगे, बट अभी भी ये बहुत फैशन में है और इसे भी आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आई रियली लाइक दिस, अभी भी नई की नई है। नो की येलो कलर की सूट सेट में कितना ज़्यादा आपको दिखाती हूँ। मुझे ये ईयरिंग्स देखी टोन में और सिल्वर टोन में, जो येलो ड्रेस के साथ भी बहुत प्यारी लगती है, तो इसे मैंने लिया, बहुत एक्सपेंसिव लिया है, 400-500 रुपए में। बट समटाइम्स आपको हॉल्स वीडियो के लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, थोड़ी छोटी काइंड ऑफ झुमकीज़ है, जैसे मैं बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनती हूँ ना, ये थोड़ी छोटी है बट बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। बहुत ज़्यादा लंबे बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनने के मन नहीं कर रहे ना, तो ये भी बहुत प्यारी लगने वाली है, मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट ईयरिंग है। नेक्स्ट ईयरिंग मेरी ये है एंड अगेन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने मेरे बहुत सारे हॉल्स वीडियो में से देखे होंगे, ऐसी दिखती है ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एंड जब बहुत हेवी आपको रेडी नहीं होना है, सेट्स नहीं पहनना है, तो इस तरीके की गोल्डन ईयरिंग्स बहुत सुंदर लगती है, गोल्डन में ये ब्लैक, आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो। नेक्स्ट मैंने ये एक चोकर मंगाया है, जो मेरी रिसेंट परचेज है, ये अभी तक आपने मेरे किसी भी हॉल्स वीडियो में नहीं देखा होगा। ये बहुत ही प्यारा सिल्वर चोकर है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा चोकर्स पड़े हुए हैं दिल्ली में, बट मैं एक भी कैरी नहीं कर रही थी इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये, सिल्वर ज्वेलरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हूँ गाइस, कि ज्वेलरीज के लिए ना मेरे दिल में हमेशा एक, क्या बोलूँ मैं, वो समझा नहीं सकती, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि मुझे ज्वेलरीज कितनी ज़्यादा पसंद है। यानी अभी तक खुला भी नहीं है,
इसकी ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे मिली 800 रुपीज़ जो भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, बहुत प्यारी लग रही है विद चोकर एंड ऑल्सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिसेंटली परचेज है, इसे मैंने एक आध बार ही पहना है अपने हॉल्स वीडियो में। ये कलरफुल ईयरिंग्स ली है मैंने जिसमें ब्लू ग्रीन पिंक रेड कॉम्बिनेशन मिलेगा। हर तरह के ईयरिंग्स नहीं है कलर वाले, तो आप इस तरीके के कलरफुल ईयरिंग्स पहनकर आराम से निकल सकते हो। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है, मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी मिली थी 500 रुपीज़ की। मैंने सोचा मैं इसे रिटर्न कर दूँगी, बट ये थोड़ी सी मुझसे टूट गई, लाइक टूटी नहीं है ये, इसे मैं ठीक कर सकती हूँ, यहाँ से कुछ निकल गया है इसलिए मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। अगेन लाइट वेट है, बहुत हेवी नहीं है एंड ऑफकोर्स मेरे बहुत सारे हॉल्स वीडियो में काम आने वाली है। रख लिया मैंने क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में ये चला जाएगा। सो नेक्स्ट जो है वो ये ईयरिंग्स है जो कुछ इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा मिंत्रा के पेज पे पसंद आई थी इसलिए मैंने इसे तुरंत मंगा लिया। ये मुझे 400 रुपीज़ की मिली है एंड अभी भी इसका प्राइस सेम है। इन काली कुर्ती में ये बहुत सुंदर लगी थी गाइस, मैंने इसे पहना था एंड ऑफकोर्स मैंने इसे बहुत ज़्यादा पहना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ज्वेलरी है। आई रियली रिकमेंड दिस वन। गाइस सो मिंत्रा के अब सारी ईयरिंग्स ख़त्म हो गए हैं एंड बहुत सारी ईयरिंग्स चोकर नेकलेस मेरे पास है जिसका मैं हॉल वीडियो नहीं बनाई हूँ, बट वो दिल्ली वाले घर पे मैं साथ में लेकर नहीं आई हूँ। सो जब भी मैं वापस जाऊँगी आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो उन सब का बनाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे फीवर हो रही है, गर्मी लग रही है, बट स्टिल मैं शूटिंग कर रही हूँ फॉर यू गाइस। सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। यू नो कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और इसलिए मैं थोड़ा लो भी साउंड कर रही हूँ, बट फिर भी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि ये हॉल कैसा लगा एंड सारे लिंक मिंत्रा के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। माय हॉल स्टोर, वहाँ पे आप क्लिक करें और वहाँ पे आप देख लें, सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे ईयरिंग्स के। बहुत जल्द मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।